गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 7th of November 2022। आइए देखते हैं कि लास्ट वीक का क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मेरा ये एनालिसिस रेगुलर बेसिस में देख रहे हो उनको यहाँ पे इतना तो पता चल गया है कि दो तीन स्ट्रेटेजीज आपको सही सही पता चल गया। पहला वाला क्या है, एक ट्रेंडेड मूव, हायर है हायर लो, नहीं तो लोअर है लोअर लो। दूसरा वाला आपको मिला है कि सेंटर बैंड में ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड। उसके बाद लेटेस्ट जो हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल अलोंग विथ आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एडेड विथ RSI रेजिस्टेंस एट 40। सो रेगुलर बेसिस में जैसे आप देखते जाओगे जो स्ट्रेटेजीज है डिफरेंट वेज द परसेप्शन टू लुक एट द मार्केट आपको काफी हद तक पता चल गया हो। और भी आने वाले दिनों में आप अगर रेगुलर बेसिस में देखते रहोगे, मैं जितना भी जानता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और जो भी ट्रेडिंग करता हूँ अपने डे टू डे लाइवलीहुड के लिए, वो आने वाले दिनों में ग्रेजुअली ये एनालिसिस के थ्रू से आपको नजर आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं ब्रेंट क्रूड से। आप देखो कि ब्रेंट क्रूड फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था वो है 98.57 और आज क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपन हुआ, अभी ये 97.28। इसका रीजन क्या है कि ऑयल फॉल्स एज चाइना स्टिक्स टू स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी। यानी ड्यूरिंग द लास्ट वीक ये लग रहा था कि ग्रेजुअली चाइना अपना जो कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन से ग्रेजुअली लिफ्ट करता जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। रेस्ट्रिक्शंस बरकरार है और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। सो इसके कारण क्या हो रहा है, उनका जो डिमांड है वो डिमांड इतना बढ़ेगा नहीं। That is the reason यहाँ पे यूके ऑयल गैप डाउन हो गया है। अभी हमें देखना है कि that being the case हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। यहाँ पे आपका 10th of October को एक पीक मारने के बाद नीचे आया था, फिर अभी वहीं पे जाके सलाम ठोक रहा है कि भाई मैं आ चुका हूँ। यानी ये लेवल पे सलाम ठोकने के बाद क्या यहाँ पे हिचकिचा रहा है या अपना वर्चस्व दिखाते हुए आगे की तरफ मार्च कर रहा है, या यहाँ पे आने के बाद डर करके नीचे की तरफ बाउंस रिट्रेस कर रहा है, ये हमें देखने वाला बात है। यानी ये जो लेवल है 98.50 से 99.00 इस एरिया पे प्राइस कैसे बिहेव, एज ऑफ नाउ गैप डाउन ओपन हुआ है, अभी देखना है कि यहाँ पे प्राइस टाइम पास करता है। अगर टाइम पास करता है, ये डेली चार्ट है तो डेली बेसिस में दो पांच दिन यहीं पे घूमेगा, अगर करता है उसके बाद हाई को तोड़ता है तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे शार्प रिजेक्शन आता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट खींचने का कोशिश करेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा करंट लेवल से अगर प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आता है तो क्या ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास रेस्पेक्ट करता है या नहीं। सो ये हो गया आपका यूके ऑयल का टेक्निकल एनालिसिस। आइए देखते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स ओपनिंग में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था आपका 110.80, अभी 111.22, थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेंथ हमें दिखा है। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन रिवर्सल रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल पहले सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस एज ऑफ नाउ आप
देखोगे क्या बना रहा है। पहले एक हाई बनाया था, फिर एक हाई बनाया जो लोअर देन द प्रीवियस हाई, इसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया जो लोअर देन द प्रीवियस हाई, ये एक हम देख रहे हैं। और यहाँ पे जो एक लो है अभी इसको तोड़ना बाकी है, अगर इसको नीचे की तरफ जाना है तो ये लोअर लो को तोड़ना पड़ेगा आज या आने वाले दिनों में। यहाँ पे आप मेरा रेगुलर प्रेजेंटेशंस देखोगे तो आई एम नॉट ए पार्टी टू द बायर्स और द बुल्स, आई एम नॉट ए पार्टी टू द बियर्स, मैं पार्टी किसका हूँ, ट्रेंडेड डायरेक्शंस। तो यहाँ पे मैं क्या ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड कंफर्म होने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका एक औजार क्या है, काफी औजार से, काफी स्ट्रेटेजी से, काफी डिफरेंट वेज है जहाँ पे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो पहले आप देखोगे लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पे लोअर लो बना हुआ है। अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो आपका 26 एंड 27 अक्टूबर का जो लो बनाया है, अभी हमें इंतजार रहेगा, इसका लो को तोड़ेगा तो ये ग्रेजुअली और भी सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक ये लो को नहीं तोड़ता है तब तक क्या करना है, तब तक हमें देखना है कि ये जो स्विंग हाई है अभी 113 एंड स्विंग लो है जो है आपका 109.75, इसके बीच में ही चॉपिनेस क्रिएट करता रहेगा। एक बार आइदर डायरेक्शन क्लियर कर देता है तो ये जो चॉपिनेस होगा वो हॉल्ट हो जाएगा, यानी मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ने का कोशिश करेगा। ये है हमारा ऑब्जर्वेशंस। और आरएसआई में भी देखेंगे तो ये रेगुलर बेसिस में आरएसआई 60 में रेजिस्ट ले रहा है आफ्टर प्लेइंग सो मच बुलिश ऑन आरएसआई फ्रंट। तो यहाँ पे इतना जल्दी ये, जब तक ये 60 को डेली बेसिस में तोड़ के ऊपर की तरफ बैठ नहीं जाता है तो यहाँ पे वीकनेस बरकरार रहेगा इन टर्म्स ऑफ आरएसआई। अभी देखते हैं डॉलर रुपी, डॉलर रुपी अभी भी मार्केट चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या देखोगे, और एक ऑब्जर्वेशंस, व्हाट इज दिस, हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स में रिसेंटली ये थर्ड शोल्डर को कंफर्म हुआ है। दैट बीइंग द केस हमें ये देखना है ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन के नीचे क्लोज देने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ऑल्सो ये एक बार अगर नेक लाइन को डेली बेसिस में क्लोज दे देता है, इन सच ए केस व्हाट विल बी आवर टारगेट, आवर टारगेट विल बी द इक्वल टू द हाइट ऑफ द राइट शोल्डर, यानी 80.90 के आसपास हमारा संभावना होगा। तो यहाँ पे क्या संभावना है, वन मोर स्ट्रेटेजी, हेड एंड शोल्डर सबको पता है, ऐसा ऐसा ये नहीं है कि ये नया चीज है, नो, इट्स ए वेरी ओल्ड प्राइस एक्शन सेटअप। इसके लिए हमें नेकलाइन जो है आपका 81.88 आ रहा है, तो टू बी प्रेसाइज 81.80 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, ये दैट इन सच ए केस हम 81.90 के तरफ एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा ड्यूरिंग द डे प्राइस ओपन होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा अपवर्ड में भी ओपन हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाय सीइंग द डॉलर इंडेक्स हल्का सा ऊपर ओपन हो सकता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये आपका 83 एंड 82 के बीच में कैसे कंसोलिडेट करते हैं प्राइस एक्शंस, ज्यादा टाइम बिताता है या इमीडिएटली नीचे की तरफ डाउनवर्ड करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस द परसेप्शन और ऑफ द मार्केट कैसे बिहेव कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर में फ्राइडे को एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हमने देखा है जो एनएपी डेटा के बाद अपमूव दिया था। आज ओपनिंग में हल्का सा गैप डाउन ओपन हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि चाइना का जो एक्सपेक्टेशंस था कि कोविड रिलेटेड रिलैक्सेशंस यहां से चालू होगा वो नहीं हो रहा है।
और अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि ऑलरेडी हमने क्या देखे हैं, यहाँ पे एक हाई आ रहा है, यहाँ येलो फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट बीइंग द केस हमें अभी इंतजार रहेगा ये हाई को तोड़ने के लिए। क्या है वो, दैट इज 1.165070 के ऊपर ही क्लोज देना पड़ेगा। इन सच ए सिनेरियो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक ट्रेंडेड बिहेवियर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में हम देखते हैं यहाँ पर भी सिमिलरली हायर आया है, लो फॉर्मेशन हो रहा है, मॉर्निंग से थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक लो बना हुआ है, तो आज या आने वाले दिनों में ये लो को तोड़ना नहीं चाहिए। पहला बात, अगर तोड़ देता है तो एट एनी केस इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। इस लो को तोड़ेगा तो ये जो फॉर्मेशन है हायर हाई हायर लो, वो निगेट हो जाएगा, तो क्या होगा, हमें नए सिरे से मार्केट को देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ 92.10 तोड़ना नहीं चाहिए, एंड ये हाई को अगर तोड़ देता है दैट इज 96, देन एक ट्रेंडेड बिहेवियर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीबीपी आईएनआर पे। अभी देखते हैं यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में भी सिमिलर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हुआ है और आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है। सिमिलर वे पे पहला प्रिकॉशंस क्या है कि ये जो स्विंग लेटेस्ट स्विंग लो है दैट इज 97.4045 एरिया, इसके नीचे आज या आने वाले दिनों में नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो हमें नए सिरे से एग्जामिन करना पड़ेगा कि कैसे बिहेव कर रहा है प्राइस एक्शंस। हमें इंतजार रहेगा फिर ये हाई को तोड़ने के लिए, दैट इज 1.0090 के हाई को तोड़ने के लिए। ये अगर तोड़ देगा तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन को तोड़ के बाहर के तरफ जाने का एक इंडिकेशंस होगा, एंड इन सच ए सिनेरियो हम यूरो में एक अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आयनर में आप देखोगे सेम वे पे, आप खुद ही इसमें एनालाइज कर सकोगे कि यहाँ पे देखो कि एक हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है, आज थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, क्या होगा, ये लो को तोड़ना नहीं चाहिए, फर्स्ट इंडिकेशंस। अगर ये तोड़ भी देता है इन एनी केस इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा वाला, थर्ड वाला, अगर ऊपर जाना है तो ये जो हाई है इस हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए। इन सच केस ये ट्रेंडेड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डेली बेसिस में एनालाइज किया है, आप चाहो तो आवरली बेसिस में चेक कर सकते हो, 30 मिनट्स में चेक कर सकते हो, 15 मिनट में चेक कर सकते हो, 5 मिनट में चेक कर सकते हो, आपका चॉइस है। सेम वे पे आप देख सकते हो। डॉलर येन देखते हैं, डॉलर येन में हमें अभी यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल है उसके बाद हमें इंतजार है कि ये लो जो है इसके नीचे जाने, इसका लो क्या है 145.10, टू बी प्रेसेस 145 के नीचे क्लोज देना चाहिए, तभी जाके एक डाउनवर्ड मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लियर कट डाउनवर्ड मूवमेंट। ये आयनर पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये ना ही हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से, ना ही लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से, दैट मीन द केस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉच पॉच है, यानी प्राइस ट्रेंड में बिहेव नहीं कर रहा है। व्हाट इट मींस, तो ये जो नॉइज है यानी ये जो क्लैरिटी मिसिंग है, इस क्लैरिटी से प्राइस को बाहर होना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आप देखोगे कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ 57.57 और 0.55 एक कंसोलिडेशन जोन है, इसके बाहर जाना पड़ेगा तभी जाके हम कुछ एक ट्रेंडेड बिहेवियर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी ये एक थर्ड अप्रोच है डेली बेसिस में प्राइस में, यहाँ पे लॉन्ग करके भी आपको जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, शॉर्ट करके भी आपको जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में क्या हुआ था, फ्राइडे को ये लो को तोड़ा था, आज थोड़ा सा गैप डाउन हो गया। अभी हमें जो ये कल का जो यानी फ्राइडे का जो क्लोजिंग था इसके नीचे कॉन्टिन्यूएशन हम देखना था, जिसको हम बोलते हैं कि फॉलो थ्रू, यानी इसके लो के नीचे अगर प्राइस आज के दिन में जाता है दैट बीइंग द केस ये फ्राइडे का जो मोमेंटम है उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। अगर नहीं करता है तो फ्राइडे का मोमेंटम को ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, तो हमें केयरफुली प्राइस को देखना पड़ेगा।
दिस इज द परसेप्शन अबाउट द मार्केट। ऑसी डॉलर में हम देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर भी एक गैप डाउन ओपन। यहाँ पे आप देखोगे ये लो है, ये एक हायर लो है, ये एक हाई है, अभी हमें इंतजार है हाई को तोड़ने के लिए, तो जाके एक हायर हाई फॉर्मेशन से। यहाँ पे वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज आरएसआई इज टेकिंग सपोर्ट एट 40। ये जो 40 है एग्जैक्टली 40 नहीं होगा कि 40.0000 होगा, नो, ये इसके आसपास घूमेगा, मे बी 39.80, मे बी 40.10 और 41 और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट हुआ है, रेंज शिफ्ट के बारे में आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बाजार में फ्रीली अवेलेबल है। तो अभी हमें क्या इंतजार होगा कि ये जो हाई है, स्विंग हाई है, इसको तोड़ना है, दैट इज 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर का जो स्विंग हाई है, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो हमें एक अपवर्ड ट्रेंडेड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं चाइनीज वन, चाइनीज वन पे आप देखोगे फ्राइडे को ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया, आज क्या उसके नीचे फॉलो थ्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये इस कल के यानी फ्राइडे के लो के नीचे फॉलो थ्रू होता तो क्या होता कि फ्राइडे का जो भी प्रेशर था उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, यानी जो भी एक्शन था उसको फर्दर वहीं से चालू कर रहा है, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। That means फ्राइडे का जितना भी पावर था अभी थोड़ा सा डगमगा रहा है कि मैं उसको कंटिन्यू करूं या ना करूं। रेदर उसके बाद क्या हुआ, गैप अप ओपन दिया और यहाँ पे अभी थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बना रहा है। हमें इंतजार यहाँ पे क्या होगा कि ये फ्राइडे के लो के नीचे आवरली बेसिस पे क्लोज दे दे, देन एंड ओनली देन हम थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते। व्हाई वी आर इंटरेस्टेड फॉर चाइनीज वन, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना का इकोनॉमी बहुत ही बड़ा इकोनॉमी है जो ग्लोबल इकोनॉमी को काफी हद तक इम्पैक्ट करता है। ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है तो हमारा रुपी का इकोनॉमी भी इम्पैक्ट करता है, एंड ऑल्सो चाइनीज यूएन के साथ रुपी का एक अच्छा खासा संबंध है। जैसे जैसे चाइनीज यूएन वीक होगा रुपी भी वीकनेस वहां पे देखा जाता है, जैसे स्ट्रांग होता है चाइनीज यूएन रुपी भी स्ट्रांग होता है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होगा लेकिन टू ए सर्टेन एक्सटेंट। दैट इज वाई हमारा जो ये चाइनीज यूएन का मंथली टारगेट है 8.10, उसके लिए हम थोड़ा सा चिंतित है रुपी को लेके। यूके ऑयल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी यूएस टेन ईयर ट्रेजरी फ्राइडे का एक छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, दैट इज ए पॉज कैंडल। यहाँ पे हमने जो हायर हायर लो का फॉर्मेशन का डिस्कस किया है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो चुका है। अभी हमें क्या इंतजार है, ये जो करंट ये हाई बनने वाला है, ये अगर हाई को तोड़ता है यानी इस हाई को तोड़ता है तो कंटिन्यूएशन बरकरार रहेगा। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कुछ क्लियर नहीं है आप कॉमेंट कीजिए, आप मेरे को मैसेज कीजिए डायरेक्टली, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल वे। तो ये जो अभी एक हाई बनाने वाला है, शायद ये यहीं से नीचे आ जाएगा या शायद ये और भी ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है कितना ऊपर जाएगा किसी ने देखा नहीं है, ओनली द एंटिसिपेशन पार्ट। अगर ये जहां से भी ये हाई बनाएगा, इस करंट हाई, ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर अगर क्लोज दे देगा तो क्या बरकरार रह रहा है, यहाँ पे बरकरार हो रहा है आपका हायर हाई हायर लो। अगर ये स्विंग हाई को ऊपर क्लोज नहीं दे पाता है और इस लो को तोड़ देता है, इन सच सिनेरियो क्या होगा, ये लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन होगा। तो ये जो एक ट्रेंडेड अप मूव है उसमें एक पॉज बटन लग जाएगा और मार्केट को हमें उस डायरेक्शन से एनालाइज करना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पे इंतजार रहेगा कि 10 ईयर वेस्ट ट्रेजरी किधर जाता है। सो करेंसी एनालिसिस, डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आज का एनालिसिस थोड़ा सा बड़ा हुआ है बिकॉज यहाँ पे मैं एनालिसिस के साथ साथ एजुकेटिंग वे में भी आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे प्राइस को देखा जा सकता है। सो अभी के लिए इतना ही, विशिंग ऑल ए ग्रेट डे अहेड।